हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन यू मी एंड इंग्लैंड लाइव। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो कुछ स्पेसिफिक किसी वीज़ा कैटेगरी वाले लोगों के लिए नहीं रहने वाली। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए रहने वाली है जो जल्दी ही यहाँ पे मूव करेंगे, जो जिन्होंने रिसेंटली यहाँ पे मूव करा है। फिर चाहे वो स्किल वर्कर वीज़ा पे, स्टूडेंट वीज़ा पे, स्केलर वीज़ा भी, कोई भी वीज़ा आपका लगा है और आप कैसे भी यूके में आए हैं, तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करूंगी जो कि आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी आके कर लेनी चाहिए, जो कि आपकी हेल्प करेगी यहाँ पे लॉन्ग रन में आपकी लाइफ सेटल होने में। काफ़ी चीज़ें ऐसी मैं बात करूंगी जो मुझे भी काफ़ी देर के बाद पता चली एंड आई वॉज लाइक कि काश ये मुझे पहले पता होता। तो इस वीडियो को आप ज़रा भी स्किप मत करना, तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं जो कि आपको आफ्टर एक्सपीरियंस यहाँ पे पता चले, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीज। अगर आप यूके में आ चुके हैं तब भी ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप आने का प्लान करें देन इस चैनल पे काफ़ी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपकी किसी ना किसी वे में डेफिनेटली हेल्प करेंगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल। तो अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो मैं फर्स्ट बात करूँगी यहाँ पे, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता, वो मैं बात करूँगी बैंक स्टेटमेंट्स की। अब लोग सोचेंगे कि बैंक स्टेटमेंट्स कैसे, कब और क्या। तो बैंक स्टेटमेंट में मैं यही बताऊँगी कि क्या किस पर्पज़ के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे हेल्पफुल रहेंगी। तो बैंक स्टेटमेंट की जब भी यहाँ पे बात करी जाती है तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। फिर चाहे हो आपने यहाँ से किसी और कंट्री में मूव करना है, काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है कि हम यहाँ पे एक बार यूके में पहुँच जाएँ, फिर हमने किसी और कंट्री का वीज़ा लेना। इवन दो अगर आपका पर्पज़ली कोई ऐसा ड्रीम नहीं भी है, स्टिल आपको बैंक स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए इन केस आपने कभी, आपका कभी ऐसा कोई माइंड में आया कि हमने यूरोप देखना है, हमने शंगन वीज़ा लेना है, हमने अमेरिका में जाना है, या ऐसा कोई भी अगर कंट्री में आपको जाना है तो बैंक स्टेटमेंट हेल्प करेंगी। या फिर उसके अलावा जो एक मेन रीज़न होता है बैंक स्टेटमेंट का, वो होता है कि इन केस अगर आपका ड्रीम है कि आपके पेरेंट्स आपके पास यूके में आए, स्पेशली स्टूडेंट्स का होता है कॉन्वोकेशन पे, या फिर अगर आप स्किल वर्कर वीज़ा पे हैं तब भी आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे बुला सकते हैं। उस टाइम पे आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनकी कोई सर्टन इनकम का सोर्स नहीं है यूके वीआई को शो करने के लिए अगर उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे आना है। तो कैसे बनती है आपकी बैंक स्टेटमेंट? तो गाइस जब भी बैंक स्टेटमेंट की बात करी जाती है तो ये कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक फिक्स अमाउंट 5000 मान लो आज रख दो और वो काउंट होगा 6 मंथ में, ऐसा नहीं होता। जब भी किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हो किसी भी पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक स्टेटमेंट देते हो तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसमें ये शो होना चाहिए कि जितनी आपकी इनकम है उसमें आपकी कोई सेविंग हो रही है। मान लीजिए कि आपको किसी वीज़ा कैटेगरी के लिए मिनिमम 5000 पाउंड चाहिए शो करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि लास्ट मंथ में अभी जस्ट मई गया है तो अगर मैं मई में 5000 रख दूंगी और मैं जून में अपनी एप्लीकेशन सबमिट करूंगी विद दैट स्टेटमेंट तो मेरा वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा, वो 100% रिजेक्ट होगा। बैंक स्टेटमेंट का मतलब यही होता है कि आप कुछ कुछ अमाउंट हर मंथ सेव कर रहे हो। तो जब भी आपकी सैलरी आए, अगर आपका लॉन्ग रन में ऐसा कोई ड्रीम है, नहीं भी है तब भी ट्राई करो, सारे के सारे पैसे कहीं पे इन्वेस्ट मत कर दो, सारे के सारे पैसे अपनी बैक कंट्री में मत भेज दो, अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी स्ट्रांग रखो। थोड़े थोड़े ही सही 200-400 पाउंड जितने भी आपकी सेविंग में है एटलीस्ट उतने रहने दो, और हर अगर मंथ वो बढ़ रहे हैं और लॉन्ग रन वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके पेरेंट्स को बुलाने के लिए या फिर आपको यहाँ पे कोई वीजा लेने के लिए। तो ये जो बात थी जो मुझे एग्जैक्टली पहले नहीं पता था कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट का भी ऐसे कोई इश्यू आता है, ये चीज बहुत बाद में पता चली जब तक मेरा स्टूडेंट वीजा निकल चुका था। बिकॉज यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी अलग कंट्री का वीजा लेने का। ऑल दो मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है यूके को छोड़ के कहीं और कंट्री में जाने का, बट स्टिल अगर मेरे पास उस टाइम पे बैंक स्टेटमेंट होती एंड मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती उस टाइम पे, तो ऑफ कोर्स मैं किसी ना किसी कंट्री का वीजा जरूर अप्लाई करती, चाहे मैं उसके लिए बाद में आज से 2 साल बाद ही क्यों ना जाती। तो स्टिल ये मैंने गलती करी थी, तो आप बिल्कुल भी मत करना। जो सेकंड में बात करूंगी वो मैं करूंगी क्रेडिट स्कोर की। तो क्रेडिट स्कोर क्या होता है? जब भी आप बैंक में अपना कोई भी चीज यहाँ पे लेते हो, अपना जो अमाउंट स्पेंड करते हो उस पर आपका एक स्कोर बनता जाता है कि आप कितने तक का लोन ले सकते हो। और यहाँ पे हर छोटी से छोटी चीज, अगर आप यहाँ पे आके आपका ड्रीम है ना आईफोन लेना, उसके लिए भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक होती है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। और अगर आप आईफोन लेने के ड्रीम से यहाँ पे आ रहे हो कि आपने यहाँ पे आके जल्दी से
जल्दी आईफोन लेना है, तो उसके लिए जो मैं एक सजेशन दे दूं जो मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था, यहाँ पे आके जितना जल्दी हो सके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे सिम ले लो, बिकॉज स्टार्टिंग में यहाँ पे लोगों को 1 ईयर में भी उनका क्रेडिट स्कोर नहीं बनता कि वो आईफोन परचेज कर पाए। तो ऑफकोर्स अगर आप किसी कंपनी की सिम बाय कर लोगे तो सेम कंपनी आपको मोबाइल फोन ऑफर कर देती है। एप्पल से लेना तो खैर पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए तो आपको मिनिमम 3 ईयर की यहाँ पे एड्रेस देना पड़ता है, तो वो आप स्टार्टिंग में आके एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो क्रेडिट स्कोर किन चीजों में आपकी हेल्प करेगा, तो क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज कैसे करना, जो क्रेडिट स्कोर है वो आपको हर छोटी से छोटी चीज जिस पे भी आपको लोन चाहिए, मॉर्गेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसमें आपका क्रेडिट स्कोर चेक होगा। फॉर लॉन्ग रन आपने यहाँ पे अच्छी गाड़ी लेनी है, आपने घर लेना है, आपने जहाँ पे मोबाइल लेना है, या कोई ऐसी चीज जिस पे आपको यहाँ पे लोन करवाना है, तब आपको आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा चाहिए। और उसे अच्छे करने का सबसे जो बेस्ट वे होता है वो यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके बिल्स हैं उन्हें आप डायरेक्ट डेबिट में रखें, कि हाँ ऑफकोर्स आपको पे तो करना पड़ेगा, पर अगर एक सर्टन अमाउंट हर मंथ कहीं पे जा रहा है देन आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बढ़ेगी। उसके अलावा भी काफ़ी मेथड होते हैं अपने क्रेडिट स्कोर इंक्रीज करने का, तो अगर आप स्टार्टिंग में आके इस चीज़ पर भी फोकस रखोगे तो फॉर लॉन्ग रन ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके साथ मिलता जुलता है जो थर्ड पॉइंट है वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेना नहीं है। क्रेडिट कार्ड लो तब भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो यहाँ पे ट्राई करें यहाँ पे आके अपना क्रेडिट जो कार्ड है उसे अप्लाई करने के। स्टार्टिंग में आपको एग्जैक्टली आपकी बैंक का क्रेडिट कार्ड इतनी इजीली नहीं मिल पाएगा, तो कोई और काफी ऐसे प्राइवेट बैंक जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस या और भी काफी ऐसे बैंक्स हैं जो कि अपना क्रेडिट कार्ड इश्यू कर देती हैं इजीली, तो ऐसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर लेते हो देन धीरे धीरे आपका यहाँ पे क्रेडिट कार्ड लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी बन जाएगी, स्पेशली उस बैंक के साथ जिसका आपका मेन अकाउंट है। तो इस चीज पे भी अपना फोकस जरूर रखना। इसके बाद जो मैं बात करूंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ड्राइविंग सीखना, यहाँ पे गाड़ी लेना। लोगों को लगेगा कि यहाँ पे गाड़ी लेंगे तो एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, बट अगर आप अपनी ही कंट्री से ड्राइविंग सीख के आओगे जिस पे कि आपको 1 ईयर यहाँ पे आके गाड़ी चलाना अलाउ है, तो आप ऐसा नहीं, मैं बोलूँगी कि बहुत अच्छी, लाइक लोग काफ़ी ऐसा ड्रीम लेके आते हैं हमने तो BMW लेनी है, हमें मर्सिडीज लेनी है, ऐसी गाड़ियों के पीछे स्टार्टिंग में मत भागना। बट यस, यहाँ पे काफ़ी ऐसी इकोनॉमिक गाड़ियाँ भी मिल जाती हैं, बहुत कम प्राइस पे मिल जाती हैं, तो आप अगर कोई ऐसी गाड़ी कर लेते हो स्टार्टिंग में और यहां पे आके उसे ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हो, अगर आप अपनी बैक कंट्री से ड्राइव सीख के आते हो, तो स्टार्टिंग में काफी रूल्स रेगुलेशन आपको पता चल जाएंगे और उसके लिए आपको सर्टन ड्राइविंग लाइसेंस लेने नहीं पड़ेंगे, बिकॉज यहां पे ड्राइविंग लाइसेंस का प्राइस बहुत ही ज्यादा है। तो अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस लेके आते हो और 1 साल के लिए यहां पे ड्राइव करते हो और उस टाइम के विदिन अपना लाइसेंस क्लियर कर लेते हो, तो आपकी बहुत सारा जो मनी है वो सेव हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस जो कि आपको लेने पड़ेंगे, बिकॉज आप अपनी कार यूज करके भी यहाँ पे ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर सकते हो। तो उस पर आप फोकस जरूर करना कि स्टार्टिंग में आके आप अपना ड्राइविंग का टेस्ट क्लियर कर लो, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, काफी जॉब्स में भी और उसके अलावा डेली डे टू डे लाइफ में तो ऑफकोर्स आपकी हेल्प करेगा ही वो। और चीज के बारे में बात करना चाहूंगी वो मैं करना चाहूंगी डॉक्यूमेंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स की बात मैं नहीं करी जो आपके नॉर्मल है, उसके अलावा जो एक हाउस एड्रेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ जब भी आप यहाँ पे सर्टन टाइम के बाद काफी लोग काफी जो यहाँ पे एड्रेस है वो चेंज करते रहते हैं, जब भी आप एड्रेस चेंज करो, ऑल्दो आपको सारे लेटर नहीं चाहिए होते, बट जिस भी एड्रेस से आप चेंज कर रहे हो एटलीस्ट 1 to 2 लेटर सेम एड्रेस के अपने पास जरूर रखो, इन केस इन फ्यूचर कहीं पे आपको शो करना पड़े कि यहाँ पे आप 3 ईयर से रह रहे हो और आपके पास क्या प्रूफ होगा 3 साल से यहाँ पे रहने का, और किस किस एड्रेस पे पर्टिकुलरली आपने स्विच करा है, उसका आपको काफी चीजों के लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, समटाइम वीजास में देनी पड़ती है, समटाइम यहाँ पे अगर आपने जैसे मैंने बोला अगर आप आईफोन लोगे तो आपको 3 ईयर का एड्रेस देना पड़ता है, तो उस एड्रेस को प्रूफ करने के लिए आपको डिफरेंट एड्रेस प्रूफ भी समटाइम आपसे मांगे जा सकते हैं। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें आपके एड्रेस प्रूफ मांगे जा सकते हैं, तो मेक श्योर करना कि सारे के सारे लेटर डिस्ट्रॉय मत कर देना कि हम इस घर में नहीं रह रहे, हम इस एड्रेस पे नहीं रह रहे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ चीजें। फिर चाहे आप उन्हें स्कैन करके अपने गूगल ड्राइव में ही रख लो, ऐसा नहीं बोल रही कि पेपर की फॉर्म में आप हर जगह लेके घूमो, अगर आप स्कैन
अपने पास रखोगे तो वो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो ये थी गाइस आज की वीडियो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि अगर आप स्टार्टिंग में आके यहाँ पे कर लेती हो तो वो लॉन्ग रन के लिए आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगी। इसलिए काफ़ी चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मैंशन कर सकते हो। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, अगर आप इन वीडियोस के अलावा यूके लाइफ की ब्लॉगिंग देखने में भी इंटरेस्टेड हो तो आप मेरा सेकंड चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसमें मैं जल्दी ही होपफुली वीकली ब्लॉग्स है वो मैं डालना स्टार्ट कर दूंगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं एंड आप मेरा फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन को टच करके आप इन सारी चीज़ों का लिंक से फाइंड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय।